ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा सत्र के दौरान सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने जिस तरह से प्रदेश व अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को सदन के भीतर मजबूती से रखा तथा उन पर सरकार ने भी सकारात्मक रवैया अपनाया, उससे सुजानपुर की जनता में भी उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत टिब्बी में एक कार्यक्रम के दौरान एक दर्जन के करीब लोगों ने विधायक राजेंद्र राणा व कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिन्हें राजेंद्र राणा ने हार पहनाकर पार्टी में सम्मान के साथ शामिल किया। विधानसभा सत्र के दौरान सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने जिस तरह से प्रदेश व अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को सदन के भीतर मजबूती से रखा तथा उन पर सरकार ने भी सकारात्मक रवैया अपनाया, उससे सुजानपुर की जनता में भी उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत टिब्बी में एक कार्यक्रम के दौरान एक दर्जन के करीब लोगों ने विधायक राजेंद्र राणा व कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिन्हें राजेंद्र राणा ने हार पहनाकर पार्टी में सम्मान के साथ शामिल किया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र राणा ने पार्टी में शामिल नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सैनिक स्कूल सुजानपुर की बकाया राशि 3,71,00,000 रुपए की देने की सहमति से दी है। स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इस मौके पर राजेंद्र राणा ने पंचायत की जनता की समस्याएं भी सुनी तथा उन्हें हल भी किया। किसी से के साथ भी कोई नजायज होगा, अन्याय होगा, राजेंद्र राणा उसके साथ खड़ा हो जाएगा, उसकी मदद करेगा। मैंने कभी जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, किसी पार्टी की बात नहीं करी है। पार्टी लाइन से हटकर काम किया है और यही वजह है कि सुजानपुर के लोगों ने मुझे डटकर आशीर्वाद दिया है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकालकर यहां आए हैं, और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारी चीज़ें छोड़ के, कौन बीजेपी से जुड़ा है, कौन कांग्रेस से जुड़ा है, मैं सबका एमएलए हूं, आप सबका एमएलए हूं, और एमएलए होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि यहां का एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति मेरे चुनाव क्षेत्र का है और मेरे लिए परिवार की तरह है, और मैं इस चीज को साबित कर सकता हूं आपके सामने क्यों है। राजेंद्र राणा एमएलए होने के नाते कोई एक भी व्यक्ति इस चुनाव क्षेत्र में ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में खुशी का मौका था और राजेंद्र राणा को बुलाया, राजेंद्र राणा नहीं आया, ये कभी नहीं हो सकता है। और दुख की भी बात थी तो भी राजेंद्र राणा ये नहीं कहा कि बीजेपी का, कि कांग्रेस का, राजेंद्र राणा हर जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमने ये प्रथा जो है, ये उदाहरण जो है, आपके एमएलए ने ही पूरे प्रदेश ने, पूरे देश में साबित किया है, पूरे देश में उदाहरण है कि राजेंद्र राणा किसी की जाति नहीं पूछता है, किसी की पार्टी नहीं पूछता है, कि जहां भी किसी की बात है, यहां से कई लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, कोई पीजीआई में जा रहा है, जहां जितनी हमारी समर्थता है, जितनी मदद कर सकते हैं हम करते हैं। और मेरे पास कोई सहयोग के लिए, कोई मदद के लिए भी आया है तो राजेंद्र राणा ने कभी नहीं पूछा है भाई आपने वोट डाला कि नहीं डाला। तो इसलिए मैं लक्की जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, और सारे बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से एक सूचना और आपके साथ साझी करना चाहता हूं कि अगले महीने होता है सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो हमने फैसला किया है, ये सर्व कल्याणकारी संस्था का फैसला है और एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से कि 15 जनवरी को 10 बजे सुजानपुर में चिल्ड्रन पार्क में जितने भी पूर्व सैनिक हैं कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई जातिवादी नहीं, जिसने देश की सेवा की है वो सब लोग मेरी तरफ से वहां सादर आमंत्रित हैं, और जो सेना में नहीं भी रहे हैं मेरी तरफ वो भी सादर आमंत्रित हैं। परंतु हमने ये फैसला किया है कि जो हमारे वीर सैनिक हैं, जिन्होंने 1962 की लड़ाई में हिस्सा लिया, 1965 की लड़ाई में हिस्सा लिया और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया और वो बुजुर्ग हो गए, हम उन सब को सम्मानित करना चाहते हैं। ये हमारा फैसला है। ये फैसला ठीक है कि गलत है? ठीक है, ठीक है। जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज तक उनको किसी ने याद नहीं किया। हमने फैसला किया कि जिन लोगों ने लड़ाई में हिस्सा लिया है वो सब लोग वहां पर सम्मानित किए जाएंगे, और 1971 के बाद जो है वो उस कार्यक्रम के हिस्सा बनाएंगे। तो आप जहां जहां भी है आप सबको आप निमंत्रण दें, और मैंने कह दिया है कि हर पंचायत से एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी जो तय की जा रही है कि आप
जितने भी पूर्व सैनिक है उनकी सूची दें और जिन्होंने लड़ाइयों में हिस्सा लिया है जो वीर सैनिक है उनकी भी सूची दें ताकि हम उनको जो है वहां पर सम्मानित कर सकें। और अंत में आप सब लोगों ने कुछ समस्याएं